कोई सा भी लगा सकते हैं। इसकी बोल्ट को पूरा एडिशनल मिल जाता है, जैसे एफएक्स में होता है पूरा, इस तरीके से कैरी कर सकते हैं और इससे बोल्ट को ऐसे लगा के। मैगजीन लगाने में कोई असुविधा नहीं होती और इसके बोल्ट को करते हैं रेडी। सेफ्टी लॉक इसका यहाँ पे होता है, लॉक हो रखा है अभी, और इसको करते हैं अभी अनलॉक। बेंच रेस्ट और प्लस डायना जेन 3 रेगुलेटर 2024 का एडिशनल वर्जन, दोनों में सबसे पावरफुल और ताकतवर कौन सा रहने वाला था, इस पर वीडियो चल रहा है। हमें कॉल करो, डायरेक्ट वीडियो कॉल करो अगर विश्वास नहीं हो रहा। जब बात मुझसे हो, जब सर्टिफाइड हो, तब पैसा भेजना, वरना मत नहीं भेजना। हमारा कोई काम और हमारी पूरी टीम का कोई काम ऐसा नहीं है कि हम फ्रॉड करते हैं। मैं दिल दावा ठोक के कहता हूँ, कोई मुझे बंदा पूरे कमेंट में यूट्यूब पर वीडियो बना के दिखाओ कि अजय सूटर ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, नहीं, कोई नहीं कह सकता भाई, कोई नहीं कह सकता। रही वीडियो शुरू करने से पहले पूरा इंडिकेट देंगे, पूरा हर चीज़ का मैनुअल बताएंगे आपको। राइट के कॉर्नर पे चलाएंगे और आपका पीएक्स और ये 120 क्या लग रहा है? पीछे भी हट सकता है, ज़्यादा भी जो दिखता है वो होता नहीं। हर चीज़ का एक पावर अलग अलग होती है। कन्फ्यूज़न जो बंदे थे अपने भाई वो वीडियो देख रहे हैं और बाकी अपने दोस्तों फॉरवर्ड करो, मजा आ रहा है। एंटर हो चुका है और एग्जिट हो चुका है। मुझे कोई आइडिया नहीं कितने में डेंट किया, पास से जरूर देखेंगे पैटर्न उसका। रेडी है ना? तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब भाई अच्छे हैं। स्वागत है आपका एलवी सेरगन हाउस में। आज एलवी सेरगन हाउस आपके लिए कुछ जो आपके मन के डाउट चले हुए थे आज उन्हें दूर करने के लिए हम आए हैं। और काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट पे कि कंपेयर पे कुछ वीडियो हो जाए, तो आज ये वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको दिखाएंगे सिर पे स्पेशल हमारे पास कुछ गन्स हैं, एयर गन ये हैं। और सबसे ज़्यादा जो धूम मच रही थी डायनास्टॉर्म राइडर को लेके, रेगुलेटर मॉडल और आपका बेंच रेस्ट, कन्फ्यूज़न ये था इन दोनों गनों में सबसे पावरफुल कौन रहने वाला है। बच्चों जाओ जाओ निकलो। कन्फ्यूज़न ये था कि इन दोनों राइफलों में सबसे बेटर मॉडल कौन सा रहने वाला था। बाकी पीएक्स के कुछ मॉडल मेरे पास और भी है, बाकी इनका वीडियो बनाएंगे, बाकी आप इनका पावर टेस्टिंग पे भी रिव्यू देखो। बेंच रेस्ट प्लस डायनास्टॉर्म राइडर जैन 3 रेगुलेटर मॉड है आज इसका हम वीडियो बनाने। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम स्पेशल, मेरा नाम अजय शूटर है और मैं उत्तराखंड हरिद्वार से रहने वाला हूँ। कोई यूट्यूब पे पहली बार नहीं हूँ, आपने मुझे बहुत बार देखा होगा और मैं इससे जाना जाता हूँ। एलवी सेरगन हाउस उत्तराखंड हरिद्वार जिले के अंदर है और एलवी सेरगन हाउस कैश ऑन डिलीवरी, प्रीपेड डिलीवरी सारे कहीं कराता है, ऑल इंडिया ओवर। कहीं से भी हो अपना भाई, घर तक सामान कैश डिलीवरी पहुँच जाएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं हम वीडियो की और हम इसके जो पावर टेस्टिंग पे वीडियो बना रहे हैं, कौन सुपर रहने वाला है कौन नहीं, सारी चीज़ हम दिखाएंगे, पास से जरूर दिखाएंगे। हमारे पास कुछ ऑयल के कैन हैं, हम ले गए बिल्कुल फ्रेश पीस, ले गए शॉप से ले गए, ये बिल्कुल कोई डेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप देख सकते हैं। ये डाउट क्लियर करा, दूसरा दिख चुका है। तीसरा भी ये देखो कुछ नहीं है, इसका बैक साइड भी आप देख सकते हैं, सही है ना? सेपाली मुझे हाइलाइटर ला के दो, रेड वाला। आपने ये ऑयल के कैन देखे, बिल्कुल फ्रेश है और ये 3 है। बाकी हम इसमें पावर टेस्टिंग पे वीडियो उतारेंगे। बहुत बंदे ऐसा थे मैदान में, हमें कॉल करते थे कि अजय अजय जी हमें बताएं इसमें डायनास्टॉर्म राइडर जैन 3 रेगुलेटर वाला सबसे टॉप रहने वाला है या PX100 का सबसे सुपर डुपर मॉडल रहने वाला है। तो कोई नहीं, टेस्ट हो जाए हल्का पुल्का और मैं इसमें लिख देता हूँ जो जिसका है। शुरू में हम चलाएंगे डायना को, इस पर हम डायना लिख देते हैं और दूसरे नंबर पे हम चलाएंगे आपका PX। इसमें मैंने DP PX लिख दिया है और इसको वीडियो टाइम वेस्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो एंड तक बने रहे। देखिए इस चीज़ में कौन शुरुआत किससे करे क्या नहीं, और चलो हॉर्नेट के साथ शुरू करते हैं। ये मेरे पास हॉर्नेट है, पास से ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों, काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी
ब्रांड पे धूम मचाने वाला, कोई भाई ये ना कहे कि हाँ भाई पहले से इसमें सब कुछ सेट था। हॉर्नेट कुछ ऐसा आपको दिखता है, इसकी धातु जो आगे की होती है, जो आगे का लेड होता है, ये बड़ा तीखा होता है, ये किसी चीज़ में नहीं रुकता। आप इसे चाहे मेटल की चीज़ पे भी चला लो, ये हारने वाला नहीं है। ये उसमें जान है, एक जिस सिरगन के अंदर इंसर्ट होता है तो एक अलग ही पावर आपको देखने को मिल जाती है। तो शुरुआत में हम तीन तीन फायर करेंगे। मैगजीन तो जानते ही होंगे, जिस पे डायना जो लेने की सोच रहा है उसकी मैगजीन को रीलोड करने का ऑप्शन जो होता है, कांच डिस्प्ले को पूरा अपोजिट घुमाए, इसे लॉक कर दो, इसे अंगूठे से पकड़ लो, पहला पैलेट बिल्कुल सीधा डालें जहाँ से निकलेगा, ऐसे नुकीला भाग ऊपर रहना चाहिए, और इसको यहाँ पे ऐसे करें, ये यहाँ पे हो जाएगा, इसको छोड़ दो, आप सारे पैलेट ऐसे ही डलेंगे। हम इसमें चलाने हैं तीन थ्री चलाने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले पूरा इंडिकेट देंगे, पूरा हर चीज़ का मैनुअल बताएंगे आपको। ये डायना स्टॉर्म राइडर जैन थ्री है, जो कि 2024 एडिशनल वर्जन है, और इसमें विद बैरल बैंड इसमें दे दिया जाता है, और इसमें जो आगे इसमें एयर का जो मीटर होता है आगे दिखाते हैं कि इसकी एयर इतना है, और पूरा बोल्ट एक्शन है। जो जैन टू आता था उसका जो एयर वाला मीटर था वो यहाँ पर दिखा देते हैं। टॉप ब्रांड पर सबसे सुपर डुपर जाने माने वाला डायना स्टॉर्म राइडर जैन थ्री, पूरा बोल्ट एक्शन है। इसके बोल्ट को हम पीछे करेंगे, फायर के लिए हम रेडी रहेंगे, कोई सेकेंड कैमरा यूज़ नहीं करेंगे, आज हम सीधा आपको लाइव दिखाएंगे। फायर के लिए रेडी दोस्तों, अब करेंगे हम फायर। इसमें हम सबसे ऊपर चलाएंगे डायना के पूरे 3 शॉट। फायर के लिए रेडी, मुझे कोई आइडिया नहीं कितने में डेंट किया, पास जरूर देखेंगे पैटर्न उसका। डायना के जो हमने 3 शॉट चलाए हैं कुछ इस तरीके से चलाए हैं, हमें पता है पहली परत को एंटर जरूर करेगा, ये पीछे नहीं हटेगा, दूसरी को एंटर कर चुका है, आप देख रहे हैं। बाकी हम कटर से इसको ये काटेंगे, पहले में तो एंटर हो चुका है, आपने देखा एंटर और एग्जिट। डायना जैन थ्री ये काफ़ी, इस पर मैं हाथ लगा तो हाथ कटने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं, इससे थोड़ा सावधान रहें। दूसरे पे एंटर हुआ और तीसरे में एग्जिट हो गया, दो पैलेट, ये देखो आप देख सकते हैं इसके अंदर हॉर्नेट पार हो ही रहा था, रुक गया, बाकी पहला पैलेट आसानी से पार, दूसरा रुक गया, और देखो डेंट के निशान, तीसरा इस क्रम में यहाँ पे रुका है। डायना जैन थ्री में जो 3 पैलेट मैंने चलाए उस तरीके से चलाए थे, और बाकी इसको लगा देते हैं उसी क्रम में जिस क्रम से शुरुआत हमारे पास होती है। कोई बात करेगा इसमें एयर का तो आपने देख ही लिया है, एयर एक बार और दिखा देते हैं। अब बात करेंगे हम जिसके हमने कंपेयर वीडियो बनाया था भाई, बेंच रेस्ट और प्लस डायना जैन थ्री रेगुलेटर 2024 का एडिशनल वर्जन, दोनों में सबसे पावरफुल और ताकतवर कौन सा रहने वाला था, इस पर वीडियो चल रहा है। फाइनली जैन थ्री ने अपना पूरा पावर दिखाया। अब बात आ रही है आपकी बेंच रेस्ट, PX100X3 का बेंच रेस्ट जो होता है ये वो है, ये इसे सुपर डुपर बनाया है और एक शूटिंग की अवस्था से चलने वाला एडिशनल मॉडल है। मैगजीन भी इसकी है, पीएस की मैगजीन में 10 पैलेट आते हैं, डायना की मैगजीन में सिर्फ 9 पैलेट आते हैं, इसकी मैगजीन खाली है, इसकी मैगजीन को करेंगे रीलोड वही हॉर्नेट से, ओनली 3 पैलेट चलाएंगे। थ्री पैलेट इसमें आ चुके हैं, इस पे लगा है डिस्कवरी का 3940 स्कोप, अपनी आवश्यकता अनुसार छोटा हो बड़ा हो कोई सा भी लगा सकते हैं। इसके बोल्ट को पूरा एडिशनल मिल जाता है, जैसे एफएक्स में होता है पूरा इस तरीके से कैरी कर सकते हैं, और इसे बोल्ट को ऐसे लगा के मैगजीन लगाने में कोई असुविधा नहीं होती, और इसके बोल्ट को करते हैं रेडी। सेफ्टी लॉक इसका यहाँ पर होता है, लॉक हो रखा है अभी, और इसको करते हैं अभी अनलॉक।
फायर के लिए रेडी हैं, करेंगे पी वाले पे। कौन सी वाले? करते हैं इस पे फायर, थोड़ा सा कनस्तर का हल्का सा रुख घुमा देते हैं इसको। सही है ना? अब आ जाएगा उसमें, करेंगे फायर। तीसरा पैलेट मैंने डिफरेंट चलाया क्योंकि दो इंडिकेट वहीं पे हो चुके थे, और इस तरीके से यहाँ पे बेंच रेस्ट का। आप मुझे बताओ कमेंट में करके, अभी वीडियो थोड़ा सा भी आपको नहीं पता कि क्या हुआ और मुझे भी नहीं पता, आप मुझे बताओ ये इससे पीछे रहा होगा, जैन 3 से आगे रहा होगा। चलो जो भी रहा है देख रहे हैं, एंटर पहले में हो चुका है, एग्जिट दूसरे में भी हो चुका है। एंटर और ये रुक चुका है, यानी जैन 3 में थोड़ी सी पावर अलग मिली है, दूसरे में तो पार ही नहीं हो पाया कोई सा भी नहीं। आपका PX100 बेंच रेस्ट, आपका आप सोच रहे होंगे कि जैन 3 जीत चुका है मैदान में, बात सही है, जैन 3 भाई जीत चुका है मैदान से और PX बेंच रेस्ट हार चुका है। इसके बोल्ट को निकाल के मैगजीन को निकालेंगे, आपका एक छोटा सा डाउट दूर करूँगा मैं, हल्का सा डाउट दूर करेंगे, सिर्फ वही 3 पैलेट लगाएंगे। पास से देखो, हॉर्नेट 1, और 2, और 3। हमने चला था PX100 जैन 3, नहीं सॉरी PX100 बेंच रेस्ट, उसकी एयर भी देख सकते हैं, एयर टोटल इतनी पावर के साथ इसमें एयर थी, यानी प्रेशर पूरा है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो दिखता है वो कभी होता नहीं है, जैन 3 जीत चुका है मैदान में। आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा, इसको जानते हैं PX120 मिनोटोर, ये कॉम्पैक्ट साइज है। अब देखो ये क्या जलवा मचा सकती है, इसका लगाएंगे मैदान में, सिर्फ इसी को दौड़ाऊँगा, बाकी दोनों PX100 को रोक दूँगा। मैगजीन रिलोड, सेफ्टी लॉक अनलॉक, फायर के लिए रेडी, करेंगे फायर। रेडी, सबसे राइट के कॉर्नर पे चलाएंगे। मैंने 3 पैलेट इसमें डाले थे और तीनों हॉर्नेट के थे, और तीनों में सिर्फ राइफल चेंज हुआ है। ये प्रेसी होल का PX120 है, इसको मैंने कुछ अलग मोड दे रखा, अलग देखेंगे। तो बताओ दोस्तों कितने में पार हुआ होगा, गर्मी काफ़ी है। डायना देख सकते हैं, डायना और आपका PX और ये 120, क्या लग रहा है? पीछे भी हट सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, मुझे कुछ नहीं पता इस तरीके से, पर इतना है आपको जो दिखता है वो होता नहीं, हर चीज़ का एक पावर अलग अलग होती है। कन्फ्यूज़न जो बंदे थे अपने भाई वो वीडियो देख रहे हैं, और बाकी अपने दोस्तों फॉरवर्ड करो, मजा आ रहा है। एंटर हो चुका है और एग्ज़िट हो चुका है, तीनों एंटर, और ये देखो तीनों की तीनों ग्रुपिंग 120 की चला हुआ है। डायना जहाँ यहाँ रुक गया था इसने धूम मचा दिया 120 ने, इसको पावर में हल्का मत मानो, वो भी सेकंड फ्लोर ही हुआ है। तीसरे में सिर्फ 2 पैलेट यहाँ पे लग के ये देखो रुके हुए हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, जो आपका जैन 3 रेगुलेटर था और PX120 इक्वल मानूंगा। थोड़ा सा हिंट लेने के लिए मुझे कॉल करें, नंबर डिस्प्ले पे वॉइस 2 है, कॉल कर सकते हैं। और मैं खुला बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि भाई फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, ये चीज़ छोड़ दो, फ्रॉड वो करता है जो कभी चेहरा नहीं दिखाता, और फ्रॉड वो करता है जो एक दो बार वीडियो बनाता है। आपको पता है ठीक ठाक क्वांटिटी के अनुसार वीडियो बनाता हूँ, हमें कॉल करो, डायरेक्ट वीडियो कॉल करो अगर विश्वास नहीं हो रहा, जब बात मुझसे हो, जब सर्टिफाइड हो तब पैसा भेजना, वरना मत नहीं भेजना। मैं खुला दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर जिससे लगता है भाई डर लग रहा है, तो कैश डिलीवरी का भी ऑप्शन है, उसमें छोटे से रूल है, आपको हल्की सी पेमेंट
देना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए कि आपका पेमेंट है वो जब जमा होगा, फिर आगे जब जाएगा, फिर जब डिस्पैच होगा, फिर उस तरीके से हम आपका टोटल सीओडी करा दे रहे हैं। तो उस तरीके से जो कंटेंट आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, प्रीपेड दोनों उसमें कंडीशन अवेलेबल हैं और ऑल इंडिया ओवर हम डिलीवरी भेजते हैं। मैं दिल दावे के साथ ठोक के कहता हूँ, हमारा कोई भी नंबर, सिर्फ टाइम से कॉल करो, संडे के दिन हमारा हॉलीडे रहता है, बाकी टाइम से आपको सामान पहुँच जाएगा। एक दो दिन डिले बल्कि हुआ है कावड़ की वजह से एक दो दिन डिले हुआ है, पर ऐसा अब आगे से क्या, जो ट्रांसपोर्ट जो उस टाइम पे जब सर्वर पूरा डाउन चलता है तो तब हल्का फुल्का लेट होता है। जो मुझे जानता है वही बंदा मुझसे सामान परचेज करेगा, जो नहीं जानता वो भूल जाएगा कि एजेंसी उठ रहे कौन। हमारा कोई काम और हमारी पूरी टीम का कोई काम ऐसा नहीं है कि हम फ्रॉड करते हैं। मैं दिल दावा ठोक के कहता हूँ, कोई मुझे बंदा पूरे कमेंट में यूट्यूब पे वीडियो बना के दिखाओ कि अजय सुटर ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, नहीं, कोई नहीं कह सकता भाई, कोई नहीं कह सकता। रही बात गिव वे गिफ्ट की, आप सब्सक्राइबर करो, जितने भी आपसे हो रहे एक या दो करो। अगर आपका बजट गन लेने का नहीं है या हल्का फुल्का बजट है तो आप कॉल करो कि जी भाई मेरा इतना बजट था, इससे बजट में जो एयर गन आ रही है आप मुझे दो, जो सब्सक्राइबर की अमाउंट की वैल्यू होगी उसे लेस करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, संडे वाले दिन शाम के टाइम एक और वीडियो अपलोड होगा और उनका जो सभी प्रेसी होल की जितने भी एयरगन है, कौन जीतेगा कौन नहीं आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और अगला टॉपिक पे वीडियो किस तरीके की बनाओ आप मुझे बताओ। तो सभी दोस्तों से लेते हैं अलविदा, सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।